इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर इंदौर। इंदौर की जिला कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता सत्यनारायण पटेल को एक केस में सजा सुनाई है। न्यायाधीश सुरेंद्र यादव ने वर्ष 2018 के एक केस की सुनवाई करते हुए आज अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सत्यनारायण पटेल को एक दिन की सजा और 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने इस मामले में कुल 14 आरोपियों को सजा सुनाई है। उन पर आरोप है कि पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने वर्ष 2018 में देपालपुर के क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रदर्शन किया था और इस दौरान काफी हंगामा भी हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। वहीं सजा मिलने के बाद सत्यनारायण पटेल ने कहा कि उन्होंने किसानों की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया था और आगे भी वे किसानों सहित जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। वहीं सत्यनारायण पटेल के वकील ने इस सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही है। 2018 का मामला है, किसानों की फसलें खराब हुई थी, उसके मुआवजे को लेकर प्रदर्शन किया था, किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया था। शासन का ऐसा कहना है कि हमने बगैर अनुमति के प्रदर्शन किया, माननीय सत्यनारायण पटेल और उनके जो 13 साथी, उन्होंने बगैर अनुमति के प्रदर्शन किया, जिसको लेकर देपालपुर थाना अंतर्गत इसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था धारा 188 और 143 के अंतर्गत, जिसमें हमें अभी ऑर्डर की कॉपी प्राप्त हुई है, इसका हमने अध्ययन किया है। हमको 188 में हमने शासन के विरुद्ध कभी किसी अनुमति के प्रदर्शन किया तो हमें 188 से बरी कर दिया गया और 143 के अंतर्गत हमको सजा दे दी गई। 143 कहती है कि सार्वजनिक स्थान पर हड़दंग करना, जब हमने प्रदर्शन किया बगैर अनुमति के उसमें हमको बरी कर दिया और 143 के अंदर हमको एक दिन मतलब शाम तक कोर्ट उठने तक की सजा और 10,000 रुपये का दंड 14 आरोपियों से भरने को कहा गया, जिसमें हमने 1,40,000 रुपये भर दिए हैं और सजा का स्थगन के लिए हमने 389 के अंतर्गत सस्पेंशन ले लिया है और हम माननीय जिला सत्र न्यायाधीश के वहाँ स्पेशल कोर्ट जो इसके ऊपर है, सत्र न्यायाधीश साहब के वहाँ इसके 30 दिन के अंतर्गत जमानत मतलब अपील करेंगे और अपील पर हम लोग स्थगन लेंगे। बता दें कि सत्यनारायण पूर्व में देपालपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक रहे हैं और इस दौरान वे किसानों की समस्या सहित तमाम मुद्दे उठाते रहे हैं और इस दौरान उनके खिलाफ करीब 10 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं, जिनकी सुनवाई फिलहाल न्यायालय में चल रही है। फिलहाल उन्हें एक ही केस में सजा सुनाई गई है। देखो, हमने ऐसे कई धरने प्रदर्शन किए जो कि पर्टिकुलर 10-12 केस है, जो 2-4 तो बरी हो चुके हैं, यही जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो धरने प्रदर्शन जनता के हित के लिए, और प्रजातंत्र में सबसे बड़ा हिस्सा ही एक आंदोलन धरना प्रदर्शन ही एक माध्यम है जो कि सरकार के सामने हम अपनी बात रख सके। ये प्रदर्शन कब का था? और ये प्रदर्शन संभवतः 5-6 साल पहले था, कि पूरी एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं मालूम है, आर्डर की कापी में सारा स्पष्ट होगा। क्या कहना चाहेंगे सजा? और इसमें सवाल ये है कि मैं नहीं मानता मुझे सजा हुई है, चूँकि सारे आर्डर में सारी स्थिति सामने है जो आपके सामने है, और जनता के मुद्दे को हम हमेशा, किसानों के मुद्दे थे, मजदूरों के मुद्दे थे, नौजवानों के मुद्दे थे, उस मुद्दे को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया। शायद ये भी मुझे नहीं मालूम, वो डेट में सारी चीज़ आई जाएगी, जो ऑर्डर में था या नहीं था ये सारी चीज़ सामने आ जाएगी। तो इन मुद्दों को लेके मैदान में हम, ये मुद्दे थे किसानों का जो वसूली, बैंक वसूली जो होती है, एक उदाहरण तौर पर 1 तारीख को वसूली हो रही, और जो समर्थन मूल्य पे गेहूँ और अनाज तुलना था वो 20 तारीख को तुलना, तो हमारी लड़ाई ये थी कि या तो 20 तारीख तक बैंक का टाइम बढ़े या 1 तारीख से पूर्व जनता का फसल को समर्थन मूल्य से गवर्नमेंट खरीदे, एक मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये था कि प्राकृतिक प्रकोप हुआ था जिससे मुआवजा मिलना था, वो सरकार जांच में आनाकाना करके और उसको रोक रही थी। तीसरा मुद्दा ये था कि बिजली के बिल जो किसान नहीं भर पा रहा था, उसके लिए तमाम केस बनाकर कई किसानों को जेल में डाला जा रहा था, जिसके कई उदाहरण हैं। इन सब मुद्दे को लेकर हम जनता की अदालत में प्रजातांत्रिक ढंग से, जो हमारे संविधान में व्यवस्था है, धरना आंदोलन और प्रदर्शन किया, और हमने धरना जो दिया वो पूरा शांतिप्रिय था, न कि हमने
कोई तोड़फोड़ की, न कि कोई हमने सरकारी संपत्ति और कोई जनता के ट्रैफिक में व्यवधान बने। भाई प्रजातंत्र में ये एक अधिकार है और इसके लिए हम जनता के हर हितों के लिए प्रजातांत्रिक ढंग से संघर्ष करते रहेंगे और साथ ही न्यायपालिका का जो भी आदेश होगा उसको हम मानते रहेंगे। धन्यवाद।